गुरुवे गौरसुन्दराय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। पञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कृष्णचैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैतवदन शिव सदि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे बोल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम हरे गुरुपाद पद्म विष्णु पाद अष्टत्रशतश्रेष्ठ भक्ति वेदांत सिद्धर गोस्वामी महाशंकर महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत ज्ञापन करते हुए उपस्थित हमारे गुरु और गुरु भाई वैष्णव वैष्णव के चरण कमल में अनंत कोटि दंडवत ज्ञापन करते हुए श्रील भक्ति वेदांत बुधाई महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि दंडवत ज्ञापन करते हुए हमारी गौड़ीय परम्परा सभी वैष्णव के चरण कमल में भी अनंत कोटि दंडवत ज्ञापन करता हूँ। गुरुजी के आदेश है कुछ बोलने के लिए, क्या बोलो? हरि नाम है, माइक हाथ में, बस बोलो। माता देवहूति अपने पुत्र भगवान कपिल देव को कहते हैं, अहवत सपत गिरिया नग्रे वर्तते नाम तुभ्यं तपस्तपस्तेजो सस्मुरार्य ब्रह्मानुनाम गुणनीयते। कहते अहोवत शपथ अर्थ करिया, माता देवहूति कहते कि भगवान आपके नाम को कोई भी चंडाल हो या कोई छोटे जाति भी हो या कोई बड़े जाति कोई ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो कोई भी हो, आपके नाम को एक बार जो जुहा में ले लिया वो तपुष्टपस्ते जो हो, तपुष्टपस्ते मतलब सभी जन्म के कई जन्मों के तपस्या का वो फल प्राप्त कर लिया। फिर सभी तीर्थों का सस्मुरार्य की सब तीर्थों का तीर्थों में स्नान भी कर लिया। आगे कहते हैं क्या ना ब्रह्मानुन गुण दिए थे कि ब्रह्मा के पद को भी वो प्राप्त कर लिया। ऐसे तो हम हरिनाम करने से हमारा ये सब प्राप्त हो जाता है। तो हमें प्राय तपस्या करने की क्या आवश्यकता है, तो तीर्थ भ्रमण करने की भी क्या आवश्यकता है, एक ही जगह पर बैठ के हरिनाम करते रहो तो सब कुछ प्राप्त हो जाता है। ऐसे ही एक बार एक बच्चा वो छोटे बच्चा सा 10 साल का बच्चा वो हरिनाम गुरु से मंत्र लेकर हरिनाम क्या करता था, तो उसके माँ ने बोला बेटा अभी तेरा उम्र नहीं है हरिनाम करने के लिए, तो तू क्या करना अभी बड़े हो जा शादी पहले कर ले, पहले अपनी फिर परिवार बैठा ले संसार कर ले, फिर संसार करने के बाद फिर तो बुढ़ापा में हरिनाम करना। तो बच्चा ने ऐसी माँ को जवाब देते हैं कि माता आज मैं स्नान करने नदी में गया था तो ठंडी लग रहा है, तो हम लोग ने क्या क्या आग लगाए थे, आग जलाए थे क्योंकि ठंडी से बचने के लिए थोड़ा। तो बच्चा कहते हैं कि आग लगाए थे तो नदी के साइड में जो जितना सारा लकड़ियां पड़ा था हम उठा के इसे आग में ढालने लगे, तो ये आग जलाते रहे तो लाए। तो इसके कहने का मतलब कि जितना जो लकड़ियां पड़ा था छोटी मोटी मतलब पड़ा या छोटे लकड़ी जितना है सब लकड़ी में डाला तो ये क्या जल के राख हो गया। हाँ तो ऐसे ही जब मृत्यु वो मृत्यु नहीं देखता है कोई बूढ़ा भाई कौन तो बच्चा है कौन जवान है, वो सभी को किसी टाइम में आता है तुरंत आगे किसी को कभी ले जाता है पता नहीं चलता। इसके लिए हरिनाम करने से बचपन से ही हरिनाम करना होगा। हाँ पता नहीं ना कहते हैं कि नलिन जल कहता शरीर मतलब नलिन मतलब जो पद्म ये कमल कमल के पत्ता के ऊपर जैसे कि जल रहता है ऐसे हमारा जीवन भी जल की बुद्धि की तरह हमारा जीवन भी टलमल टलमल होता है, कभी निकल जाएगा प्राण छूट जाएगा पता नहीं चलता है। इसके लिए हमें बचपन से ही हरिनाम करना जरूरी है। इसलिए हरिनाम के द्वारा इसीलिए देवहूति माँ कहते हैं कि
आपके जो जिसने आपके एक बार भी हरि नाम ले लिया तो उसका कल्याण हो गया, तपस्या करने की आवश्यकता नहीं या कोई तीर्थ भ्रमण करने की आवश्यकता नहीं। हमें तीर्थ भ्रमण करते कितना कष्ट होता है, धन का खर्च होता है, तो हरि नाम में कोई धन खर्च नहीं होता है। हरि नाम में बतलाया गया कि यह श्रेष्ठ धन है। एक बार एक ब्राह्मण व्यक्ति ईश्वर को पूजा करता था, महादेव को, महादेव से पूजा करता था, महादेव को बोले कि मुझे मेरी बेटी का शादी है, कुछ मुझे धन दो, भगवान को मांगे। तो बोलते हैं मैं क्यों दो, तो एक काम करना, ब्रज में एक बाबा रहते हैं, इनका नाम सनातन गोस्वामी, इनके पास जाना, वो बाबा बहुत धन रखा है। तो बोलते हैं तो उसने ब्राह्मण लोग एक सोसाइटी में बाबा लोग पैसा रखते हैं, बाबा लोग धन रखते हैं। तो उस बेचारा आया बाबा के पास, सनातन गोस्वामी के पास, तो सनातन गोस्वामी को बोले कि मेरा बेटी का शादी है और मुझे भगवान बोला ईश्वर ने भेजे महादेव ने, तो आप कुछ धन दे दो। तो बोलते मेरे पास कहाँ धन है। तो बोला अरे भगवान तो भेजे आपके पास, तो धन होगा जरूर। तो बोलते अच्छा, तो इन्होंने भी सोचे ऐसा कोई बात नहीं, भगवान भेजे मतलब जिनके कुछ है मतलब। तो इन्होंने बोले कि अच्छा जाओ जो बूढ़ा है ना इसमें एक मणि पड़ा है, तो मणि ले लो। तो उसने गया कूढ़ा में, थोड़ा मणि पड़ा था, तो मणि पड़ा तो बेचारा क्या सोचा कि मणि अगर इतना मूल्यवान है तो इससे मूल्यवान कुछ और है, क्योंकि वो कूढ़ा में फेंक दिया मणि को, मतलब इसके मूल्यवान इनके पास और कुछ चीज है। तो इन्होंने फिर आया, फिर बोला बाबा आपके पास कुछ और मूल्यवान वस्तु है, मुझे वो दे दो, वो नहीं चाहिए मेरे को। तो बोलता ये नहीं चाहिए, तो एक काम कर तू जा इसको जमुना में फेंक देना और नहाके मुंडन होकर आ जाना। तो बेचारा गया फेंक दिया रहते हुए जमुना में नहाकर मुंडन होकर आया। तो सनातन गोस्वामी ने माला लिखा है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इसी माला को भोग लगी, बोले ये हमारा धन है, ये सर्वश्रेष्ठ धन है। तो बोलते बाबा ये माला का लेके मैं क्या करूँ, बेटी का शादी करवाओ, धन पैसा चाहिए। तो बोलता ये हमारे लिए धन है, तुम्हारे लिए तो मैं तुमको मणि दिया, तुम्हें फेंक दिया उसको लेके, तुम्हें पसंद नहीं आया तो मैं क्या करूँ, अब ये हमारा धन इसको लेकर तो जब कर तेरा सब कुछ भगवान करवा दे। तो ये इसीलिए धन कहते हैं कि हमारा धन साधुओं के धन है, असली धन हरिनाम। इसीलिए हरिनाम आपको करना जरूरी है, इसे हरिनाम कहते हो, हरिनाम करते रहो बस सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। इतना कहकर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। पांच साइकिल पत्र कृपा से नाम पा रहे गुरुदेव के आदेश अनुसार हम सब लोग श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कर रहे हैं, जिसमें श्रवण हमने गुरुदेव के मुखार से जो कुछ सुनाया उसे मैं कुछ दोबारा रिपीट करने का प्रयास करूँगा। इसमें जो कुछ भी गलती त्रुटि हो गुरुदेव से प्रार्थना है उसमें सुधार करकर मेरी गलती को क्षमा करें। गुरुदेव के मुखार से हमने सभी ने श्रवण किया कि श्रीमद् भागवतम सुनने से सभी को शांति प्राप्त होती है। जिस समय हम गुरुदेव भागवतम कथा करते हैं और हम सबसे विराजमान होते हैं तो उस समय किसी के मन में कोई दुख चिंता या कोई घर पे जितना भी दुखी हो जब आगे वहां विराजमान हो जाता है उस स्थान पर तो जितने भी शरीर की या मानसिक या कैसी भी पीड़ा है ये सब दूर हो जाती है। वहां बैठकर गुरुदेव कहते कोई चिंता नहीं होता। इसे आप सब लोग सुबह उठ के 4 बजे कथा में आकर बैठे हो, मंगल आरती किया तो उस समय कुछ भी हो रहा हो
कोई टेंशन नहीं। गुरुदेव कहते हैं इस संसार में जो भी पैदा हुआ वो कोई धन से दुखी, पति से दुखी, पत्नी से दुखी, मेरे घर वाले मेरे से दुखी, तो सारे बोले कहीं ना कहीं कोई ना कोई सबसे दुखी दुखी है, संसार में कोई सुखी है ही नहीं। पर जो यहाँ के विराजमान हो गया उसकी तरह संसार में आग लगो कुछ नहीं, वो जो गुरुदेव के चरण में आकर कथा श्रवण कर रहा है वो सबसे सुखी है। तो गुरुदेव इसमें बताते हैं कि जो ये श्रीमद् भागवतम जो श्रवण करता है वो साक्षात भगवान की गोद में बैठा हुआ है। जब वो भगवान की गोद में बैठ जाता है तो उसे फिर वो किसी चीज की जरूरत ही नहीं होती कि सबसे ऊंची कौन सी है भगवान की गोद। ध्रुव महाराज जी ने भी प्राप्त करने के लिए ही तपस्या की थी, उनकी माता पिता आएगा तो उस गोद में बैठ के क्या करेगा, जो सर्वोच्च गोद है तो उसमें जाकर विराजमान हो, उसके बाद जो कहीं बैठने की जरूरत नहीं। तो साक्षात जब गुरुदेव ने पहले श्रवण किया है कि जब भगवान इस तरह धाम से छोड़ के गए तो अपने आप को चार चीज में विराजमान करके गए, श्रीमद् भागवतम, तुलसा जी, गंगा जल और संतों के हृदय में। तो श्रीमद् भागवतम स्वयं साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही है, जब उनका श्रवण करते हैं हम स्वयं भगवान की गोद में विराजमान होते हैं। इसी प्रसंग में हमने गुरुदेव से आगे श्रवण किया है कि अलग अलग गोस्वामियों ने भागवतम जी को अलग अलग नाम से पुकारा है, बताया है। तो इसमें सुखदेव गोस्वामी जी श्रीमद् भागवतम कथा को बताते हैं ये औषधि, ये दवाई है। श्री गोस्वामी सुखदेव गोस्वामी जी बताते हैं औषधि है, कौन सी औषधि है कि इस भव सागर से पार करने वाली औषधि है। ये भव सागर क्या है, ये है दुखों का आलय, इसमें सुख नहीं है। अगर इसमें सुख होता तो सभी सुखी होते, जो इस संसार में आ गया वो दुखी ही दुखी है, परंतु जो इस संसार को अलग रखकर भगवान के चरणों में आ गया जैसे हमारे सभी ब्रह्मचारी लोग, इन्हें क्या दुख है, कुछ भी नहीं, इनकी तरफ से दुनिया चल के खत्म होती है, अब खत्म हो जा, कोई टेंशन नहीं, गुरुदेव के चरणों में भगवान की सेवा में मस्त है आराम, अभी इस गेट से बाहर निकलो आप ड्यूटी पर चलना, उस पर कहीं फलाना टिकाना वो मिलना ना, वो इतनी टेंशन हो जाती है इतनी कि कोई हिसाब ही नहीं। पर सुखदेव गोस्वामी जी स्वयं बता रहे हैं श्रीमद् भागवतम में कि ये ऐसी दवाई है कि जो इसको श्रवण करता है या जो श्रीमद् भागवत का आश्रय लेता है वो इस संसार के दुखों से निवृत्त हो जाता है तत्क्षणात ही। इसका आपने साक्षात प्रमाण जब गुरुदेव स्वयं भागवतम कथा करते हैं उस समय देखा होगा कि जब होता है कितना आनंद होता है। अभी गुरुदेव ने भागवतम कथा करी थी करने, और आगे भी करने वाले गुरुदेव 16 तारीख से भी 22 तारीख से भी जगह जगह जब जिस समय कथा वहां शुरुआत होती है कितने लोग आते हैं, जब अपना काम धंधा छोड़ के आते हैं तो क्या उन्हें वहां अपने जो पुराने दुख है उनका स्मरण होता है, नहीं होता, उन्हें उनका कोई स्मरण नहीं होता उस समय, गुरुदेव स्वयं बताते हैं। तो इसमें आगे बताते हैं फिर कपिलदेव जी अपनी माता को बताते हैं कि ये कथा है, ये कथा बहुत बलवान है, ये कथा बहुत बलवान बताते हैं कपिलदेव जी अपने माधव, कैसे बलवान बताते हैं कि ये जो श्रवण जो इस संसार में दुख भोग रहा मनुष्य है उसके दुखों को हरने वाली है जबरदस्ती। अभी हमने कथा में जब कथा का महत्व सभी हमारे ब्रह्मचारी लोग श्रवण करा रहे थे हमने सुना था उसमें कि कथा के श्रवण करने की इच्छा मात्र से ही भगवान उस व्यक्ति के हृदय में स्वयं विराजमान हो जाते हैं जबरदस्ती और अपने आप को अंदर अवरुद्ध कर लेते हैं कि अब इसने इच्छा कर ली है श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने की, अब इसको मैं अपने पास लाके ही छोड़ूंगा। उस इच्छा को वो इतना पोषण कर देते हैं कि वो उस समय बाद उस भागवत कथा में जाकर गुरुदेव के मुखारविंद से उस कथा को श्रवण करके अपने आप को धन्यला पुण्यला करता है। इसमें ही गुरुदेव ने बताया कि इसमें कपिलदेव कपिलदेव गोस्वामी जी अपनी माता को बताते हैं यह एक रसायन भी है, गुरुदेव ने बताया रसायन एक औषधि है जो 10 प्रकार की जड़ी बूटियों से मिलकर बनती है, अगर कोई उसको पान कर ले तो वो उसको कोई रोग नहीं रहेगा और शरीर भी
पुष्ट होगा। तो इसी प्रकार ये ही श्रीमद् भागवत की एक रसायन है, जो इसको श्रवण कर लेगा, जो श्रीमद् भागवत कथा का आश्रय ग्रहण कर लेगा, वो इस संसार के जितने भी हमारे सात प्रकार के ताप हैं उससे छुटकारा पा जाएगा, और जितने भी अन्य दुख है उन सबसे वो छुटकारा पाकर श्रीमद् भगवान के चरणों को प्राप्त करेगा। इसमें गुरुदेव ने आगे भी बताया कि उसके पांच प्रकार के पैर भक्त जो है वे भी समाप्त हो जाते हैं। तो उनको से बताया पै 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 और मैं पैसे बताया गुरुदेव ने, उसका जो परिश्रम करना है बोले कि परिश्रम करना, पैसे बताया जो परिश्रम करते करते उसे उनसे जाग उत्पन्न हो जाना है वो, वह बताया कि वृद्धता, भय बताया भय नहीं होता, और मैं बताया मृत्यु। तो इसमें गुरुदेव बताते हैं कि पैर वो देखते हैं, जैसे गुरुदेव ने बताया कि जैसे हम देखते हैं कि संसार के व्यक्ति जो कर्म कर रहा है और जो भगवान के शरणागत जो व्यक्ति कर्म कर रहा है उन दोनों के कर्म देखने में समान लगते हैं। जैसे बाहर के लोग भी सुबह उठते हैं और आप लोग भी उठ के आए हैं, पर उसमें बहुत अंतर है। वे सुबह उठ के अपने घर के कार्य में व्यस्त होते हैं और आप सुबह किस लिए उठते हैं, भगवान के लिए, श्री गुरुदेव के लिए उठ दोनों रहे हैं, पर दोनों में जमीन आसमान का गुरुदेव ने बताया आकाश पाताल का अंतर है। दोनों उठ रहे हैं, नहा भी रहे हैं, स्नान भी कर रहे हैं और अपने जो भी उनके दैनिक चीजें वो कर रहे हैं, पर अंतर क्या है, आकाश पाताल का है। जो भी कर्म कर रहे हैं वो उनका कर्म बेकार है, वो किसी काम का नहीं, वे सिर्फ अपनी सेवा के लिए सुबह उठ रहे हैं, परंतु जो आप लोग कर्म कर रहे हैं वो भगवान के लिए कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। दूसरा बताया इसमें फैर के परिश्रम करते करते आदमी थका हो जाए, मुझसे थक हो जाए, पर जब वो परम करता है उसका वो बिल्कुल बेकार उसकी मृत्यु हो सकती है उसे करने से, परंतु जो आप ठाकुर जी गुरुदेव ने बताते ना कि प्रचार के लिए मृत्यु तक को दांव पे लगाना होगा, जब ही प्रचार हो सकता है, प्राण देते ही हमारे गुरुवर्गों ने सब करके दिखाया है। गुरुदेव ने बताया कि हमारे गुरुदेव का प्रचार करते करते ही तीन बार ऑपरेशन हुआ है, फिर भी उन्होंने अंतिम समय तक प्रचार नहीं छोड़ा। माधव हमारे पूज्य बाबा माधव महाराज जी ने उनको बहुत रोकते थे, भले पूरा शासन करते थे अपने गुरुदेव पर कि नहीं जाना, नहीं दर्शन नहीं देना, ऐसे नहीं करना, नहीं, फिर भी कहते थे अगर मैं नहीं जाऊंगा तो कौन जाएगा, यहाँ फिर कोई नहीं आने वाला, ये आज मेरे पास आए मैं इनको दर्शन नहीं दूंगा या मैं इनको नहीं स्वीकार करूंगा, कौन स्वीकार करेगा इनको, इनका कल्याण कैसे होगा, मैं इसी धरती पर नहीं आया कि आगे आराम कर रहा हूँ। तो इतना परिश्रम लगे प्राण को दांव पर लगा के भी भगवान ने प्रचार किया, महाराज जी ने प्रचार किया है। तो इसी प्रकार जो आपने देखे हैं जो मजदूर लोग होते हैं वे भी सुबह से शाम तक सब वो करते हैं, परिश्रम करते हैं, शाम को उनकी हालत ऐसी हो जाती है कि वे एक गिलास पानी को उठाकर नहीं पी सकते, तो वे भी तो मेहनत कर रहे हैं पूरी दबा में, पर नहीं वो उनका परिश्रम सार्थक नहीं है, वो उनका परिश्रम है अपने लिए जो कि नश्वर है, जो उनको मृत्यु तक ले जाएगा, परंतु जो ये कर्म भगवान के लिए हुआ है ये उसमें सीधा गोलोक वृंदावन धाम ले जाएगा। इसमें अगला बताते हैं वे व्यर्था कि संसार लोग जो भी कुछ कार्य करते हैं वो व्यर्थ है, वो व्यर्थ हो भी सकता है और व्यर्थ भी ही है, वो किसी कार्य का नहीं है कि जैसे सुबह उठे नहाए धोए खाया पिया अपने काम पे चले गए आए खाया पिया सो गए क्या करा, उससे अच्छे तो जानवर है, वे भी सुबह उठते हैं अपना गेहूं कूड़ा कर कर चुका हाय सो गए क्या अंतर था। जो भगवान ने आपको इतना श्रेष्ठ जो दिया है जन्म, भगवान ने मनुष्य जन्म दिया है उसका फिर सार्थकता क्या रही, कुछ भी नहीं रहे। अब यही कार्य जो हम भगवान की सेवा में लगाएंगे कि कुछ भी कार्य कर ले, आपने सुबह उठे मंगल आरती आ गए दर्शन हुआ तो आपका वो सार्थक ही हो गया, आप भगवान के दरबार में आए हैं, कथा में आए बैठ गए श्रवण नहीं करी तो गुरुदेव कहते हैं वो भी सार्थक है, व्यर्थ माना ना आपके हस्त में तो आप, पर गुरुदेव बताते हैं वो भी सार्थक है, आप आगे बैठ भी गए सुना भी नहीं इधर तुम देखा सार्थक श्री गुरुदेव कहते हैं कि जब भागवत कथा में कुछ लोगों की सेवा होती है वे किचन में है प्रसाद की तैयारी कर रहे हैं या कुछ जो है कथा में नहीं बैठ पाते, पर वो भी सार्थक ही है। कुछ भी भगवान के लिए कैसा भी कार्य हुआ जिसको हम अपनी बुद्धि से व्यर्थ समझते हैं परंतु वो भगवान की इच्छा के लिए किया गया, गुरुदेव की इच्छा के लिए किया गया वो सार्थक ही होगा, पर जो कार्य अपनी इच्छा के द्वारा अपने लिए किया जाएगा वो सारा व्यर्थ होगा। सीधा सीधा मतलब इसका ये है। इसके अंदर भय, भय नहीं रहेगा तो भय किसको नहीं रहता, मृत्यु से भय सभी को है,
संसार को भी कहता है गोली मारो, वो पहले आता था पहले मर जाएगा, वो बाद की बात आता था पहले मर जाएगा, पर नहीं, जिसको तो गुरु ने बताया मृत्यु सभी को आएगी। पर बिल्ली जिस प्रकार अपने उन्हीं दांतों से अपने बच्चे को उठाती है और उन्हीं दांतों से एक चूहे को उठाती है, जब वो बिल्ली उन्हीं दांतों से चूहे को उठाती है तो उसके प्राण ले लेती है, और जब उन्हीं दांतों से अपने बच्चे को उठाती है तो उसकी नींद भी खुलने नहीं देती। मृत्यु वही है, पर जब वो एक संसारी की आएगी उसको कितना कष्ट होगा, गुरुदेव बता रहे हैं कि 1000 बिच्छू एक साथ दंत मारते हैं इतना कष्ट होगा। एक बिच्छू का सहन नहीं होता, उससे मृत्यु हो जाना तो 1000 मारेंगे तो क्या हालत होगी, कोई हिसाब नहीं है। पर वही मृत्यु जब एक शरणागत भक्ति आती है तो उसको पता, मुझे गुरुदेव ने कल हम कथा में सुन रहे थे ना कि गोविंद महाराज जी जिस समय भगवान की कथा सुना रहे थे, जिस समय वे धरा को छोड़ गए, भगवान स्वयं आए उनको लेकर चले, पता नहीं चला किसी को कि ये ऐसे भी हुआ। तो इसी प्रकार कहते अगर मैं मृत्यु मृत्यु पर जय प्राप्त होगी, मृत्यु पर जय किस प्रकार प्राप्त होगी कि जो संसार लोग हैं वे जय जमा कर्म करें उसी का अनुसार उन्हें मृत्यु मिलेगी। मृत्यु गुरुदेव ने बता रहे थे कि भगवान को किस प्रकार पता चलता है, चरण से, साधु को किस प्रकार पता चलता है, मरण से। तो मरण ही उसके बताता है कि उसने भी पूर्व जन्म में क्या किया, उसका जो लास्ट एग्जाम है वो उसका मरण है, मरण के बाद ही वो बता सकता है कि इसने पूर्व जन्म में कैसे कैसे है या इस जन्म में इसकी क्या स्थिति होगी, कैसे इसने अपना पूरा जीवन बिताया है। उसका मरण सुधर गया तो उसका जो कर्म था वो तेज नीचे नहीं होता, मरण पता चल जाएगा। और वो अपने मरण के समय मृत्यु के समय खाट पर तड़प रहा है, उसका लड़ भी साफ नहीं निकल रहा है, सड़ रहा है, कर रहा है, तो वो बता रहा है कि इसमें पूर्व कैसा उसका कर्म रहा होगा, ये गुरुदेव बता रहे हैं। फिर आगे सुन को स्वामी जी बताते हैं, इस कथा को बताया उन्होंने काल व्यालम, इसको बताया उन्होंने काल व्यालम। काल व्यालम क्या है, स्वर्ग के समान, ये एक स्वर्ग के समान है जो कि हमें निरंतर भेजता जा रहा है, यह हमें काल व्यालम है जो भेजता जा रहा है। इसमें गुरुदेव बता रहे हैं यह काल व्यालम है, इस काल व्यालम, काल व्यालम स्वर्ग को नेवले के द्वारा खाने वाला है, नेवला बताया इसमें नेवला। तो गुरुदेव से बताते हैं कि जैसे एक सर्प हो गए, जब सर्प और नेवले की लड़ाई होती है तो वो जब सर्प नेवले को काट लेता है तो वो कहता है एक्सक्यूज मी, रुक जा मैं अभी आता हूँ। तो उसको पता होता है कि ये जो दवाई है जो सांप के जहर को नाश कर देगी कहाँ पे है, वो तुरंत जाता है उस दवाई को खाकर फिर पुष्ट होता आता है, वो फिर उस सर्प के साथ लड़ता है जो कि मृत्यु है साक्षात। तो इसमें गुरुदेव बताते हैं कि ऐसे ही ये श्रीमद् भागवतम है कि जब हम सुबह आ गए, जैसे गुरुदेव ने बताया हम सुबह आ गए, सुबह आ गए हमने गुरुदेव से पूरी मंगल आरती कर ली, कथा सुन ली, तो हमारा क्या हुआ, पूरे दिन का रिचार्ज हो गया, पूरे दिन का हमारा रिचार्ज हो गया। हम गुरुदेव से कथा में सुनते हैं कि समय किसी प्रकार व्यस्त नहीं जाना चाहिए, जो भी कार्य करना चाहिए भगवान के लिए करना चाहिए, कभी भी हरिनाम नहीं छोड़ना चाहिए। तो हम सारे दिन क्या करेंगे, अगर हम भूल भी जाएंगे तो हमें स्मरण आएगा कि जो हमने वो औषधि ली है, जो गुरुदेव से सुबह की औषधि ली है उसके द्वारा हमें स्मरण आएगा। नहीं अगर हम करेंगे तो हमें आएगा, अगर हम कर नहीं आएंगे तो बस वो सब भूल गया। तो हमें वो डेली औषधि लेनी है, परंतु वो सूर्य जो काल रूप में विराजमान है वो डेली हमारे समय को चयन कर रहा है, जो कि कभी भी वापस नहीं आएगा, कभी भी वापस नहीं आएगा। गुरुदेव बताते हैं कि जैसे अंबानी है उस दुनिया का सबसे बड़ा अमीर आदमी है, अगर उसको पूछो जाए वो क्या मैं तुम्हें 4-5 कोहिनूर ले दूं और मुझे 10 मीटर ज्यादा, तो नहीं किसी में ताकत नहीं, वो उसको जवाब सके किसी में ताकत नहीं। वो जो सूर्य है जो काल रूप में स्थित है ऊपर, वो दिन समय क्षण टू क्षण उसके समय को क्षय कर रहा है, और एक क्षण होते क्षय होते होते उसका वो समय मृत्यु तक आ जाएगा। और जब मृत्यु तक आ जाएगा, गुरुदेव बताते हैं जो हमने सारा कार्य अब तक किया है वो हमारे सामने एक वीडियो की तरह चलेगा, उस समय फिर हमें कुछ नहीं याद नहीं आएगा। उस समय तो वो जो हमने करा अपने जीवन में, अच्छा तो बुरा तो जैसे भी कर्म करा, वो सब वीडियो रील की तरह चलेगा, ये करा वो करा, भगवान का स्मरण नहीं होगा। स्मरण किसका होगा, जिसने हर समय गुरुदेव का सानिध्य करके भगवान की सेवा करके श्रीमद् भागवत कथा का आश्रय करा,
उसको भगवान का स्मरण होगा, वो नेवला ये शिव शुद्ध इनको शुद्ध गोस्वामी जी इसको नेवला बता रहे हैं कि यही नेवला है जो उस काल रूपी सब को खत्म कर सकता है। इसमें उन्होंने आगे इसको बताया कि यह एक शराब भी है, शुद्ध गोस्वामी जी ने इनको शराब भी बताया कि एक शराब भी है। शराब कौन सी है? ये जो दिन की अपने जो संसार में लोग शराब पीते हैं, ये क्या होती है? पैसे खर्च होते हैं। पहले सबसे पहला था जो संसार का सिद्ध होता है, पैसे खर्च होते हैं। पैसे खर्च होने के बाद शरीर का नाश होता है, शरीर का नाश होता है। पर चलो दोनों चीज भी खर्च होगी, शरीर का नाश भी हो गया, पैसे हो गए, पर इसको रात को पी लिया तो सुबह खत्म, कितने देर के लिए हुआ। पर जो ये शराब है श्रीमद भागवत है, इसको जिसने पान कर लिया जन्म जन्मांतर तक, जब तक वो उस जीव उस भगवान की बनाई हुई सृष्टि में रहेगा, ये खत्म नहीं होगा, ये खत्म नहीं होगा। गुरुदेव कहते हैं एक क्षण लो मात्र भी श्रीमद् भागवत का आश्रय करा हुआ वो खत्म नहीं होता, वो प्रतिदिन सवा गुना पढ़ता रहता है और वो आपको अगले जन्म में उसका व्यास ही प्राप्त होगा। फिर जब उस जन्म में आप आश्रय करेंगे फिर वो पढ़ेगा। अब धीरे धीरे बाद आपकी पूर्ति हो जाएगी। जैसे इसमें गुरुदेव ने उदाहरण भी देता है कि प्रहलाद महाराज जी, प्रहलाद महाराज जी को 6 वर्ष में भगवान के दर्शन हो गए। कैसे हो गए? वे आए जन्म लिया हो गए? नहीं, जब एक बार प्रहलाद महाराज जी को आगे अहंकार हो गया कि मैंने तो 5 वर्ष में ही भगवान के दर्शन कर लिए, तो उनको नाराज जी उनके गुरु थे, तो वे उनको लेके बताओ बच्चों को मैं घुमा कर लाता हूँ, तो उनको ले जा रहे थे। तो ले जा रहे थे तो प्रहलाद महाराज जी एक आश्चर्य की तरह से देखा, एक हड्डियों का पहाड़ था, बहुत बड़ा पहाड़ जिसकी कोई सीमा नहीं थी। तो वो पहला मुझे गुरु जी ये क्या है? ये हड्डियों का पहाड़ है। इतनी हड्डियों का पहाड़ उनका आश्चर्य, किसी का हड्डी का इतना पहाड़ हो सकता है? उनका हाँ हो सकता है। किसका है? नुके तुम्हारा है। नुके मेरा? नुके मैं तो अभी सुनना हूँ। नुके नहीं, तुमने पहले इतने जन्म ले चुके हैं कि तुम्हारी हड्डियों का पहाड़ बन गया है। तुम्हारा कुछ समय रह गया था जिस कारण तुम भगवान को प्राप्त हो, वो समय तुम्हें इस जन्म में मिल गया, इसलिए तुम्हें भगवत प्राप्ति हुई है। तो जब वो प्रहलाद महाराज जी का अहंकार क्षय हुआ कि नहीं ये ऐसे नहीं हुआ, तो बताते हैं कि जो ये शराब है, इसमें गुरुदेव एक और बात बताते हैं कि जैसे कोई एक पिता है वो अगर शराब पीता है तो क्या उन्हें बच्चों को कहेगा बेटा ले तुम्हें पीना? कोई हो सकता है जो संसार में बिल्कुल बेकार होगा, मगर तुमको तो फालतू आ रहे निंदा पालचा की दिक्कत आ रही तो पर नहीं, अगर कोई सही पिता होगा वो बिल्कुल नहीं कहेगा अच्छी चीजें तो बिल्कुल नहीं कहेगा। परंतु गुरुदेव बताते हैं ये एक ऐसी शराब है, एक ऐसी शराब है जिसने भी पी ली वो खुद तो पिएगा ही पर दूसरे को भी दबा कर पियाएगा। उनको मेरे से तो पी, मैंने उसने पी ली और मेरे से फालतू पी। पिता ने पी ली तो वो अपने घर वालों को पियाएगा, पत्नी ने पी ली तो अपने पति को पियाएगी, बच्चों ने पी ली तो अपने माता पिता को पियाएंगे या अपने रिश्तेदारों को पियाएंगे, और गुरुदेव ने तो पूरे संसार को पिया रहे हैं। गुरुदेव पूरे संसार को पिया रहे हैं, बच्चे रहे हैं और सब पी रहे हैं पूरे मतलब से इसमें। तो गुरुदेव ने पियाना बताया कि खराब चीज नहीं दे, पर जो पिता होता है वो अच्छी चीज ही देगा। तो इसलिए इसको शुद्ध गोस्वामी जी इसको शराब भी बता रहे हैं। तो इसमें अखेर आगे पांचवा बता रहे हैं, इसको गोपियों ने भी बताया है। गोपी ने क्या बताया इसको? गोपी ने बताया इसको अमृत कथामृतम तप्त जीवनम। तो इसमें वो क्या बता रहे हैं? ये अमृत है, ये भगवान की कथा। कौन सा अमृत है? जो कानों रूपी द्वारा हृदय में जाके उस जीव को नाश होने से बचाता है। शरीर का तो नाश तो निश्चित है, पर उस जीव का नाश नहीं होना चाहिए जो इस शरीर में विद्यमान है। वो उस जीव को जन्म जन्मांतर तक ऐसा बना देता है कि वो कभी भी इस संसार रूपी काल रूपी ग्रस्त में नहीं आता। तो वांछा करने के पास ही इतना मान्य है। तो ज्ञान मिलान जन सुगान जन सुगा
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे परमारादितम गुरु पात्र नमस्ते और चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम पुष्प मंगल पादोक्तिम भक्ति परिवार सा करता हूँ तत्पश्चात युगाचार्य नित्य लाभ विष्णु विष्णु पादस्तु दर्शन शिष्य मन समस्त भक्त परंपरा सबके चरण हम लोग श्रवण कर रहे थे भागवत महात्म्य तो ये में ये जी बोल रहे को ये भागवत की महात्म्य तो बताते हैं कि नारद मुनि अत्यंत विषण होकर जब बद्री आश्रम में पहुंचे तो वहां उनका मिलन होता है किनके साथ ये के साथ। तो इतना ही श्रवण करके ऋषि ये तो बड़ा आश्चर्य की तरह थे बोलेंगे ये ही कैसा हुआ क्योंकि जैसे नारद मुनि ये कहीं भी स्थिर होके रहते नहीं उनका अभिशाप ग्रस्त है और ये चतुर्सनक नित्य स्थित कहाँ बद्रिकाश्रम ये कहीं उसको छोड़ के जाते नहीं। तो इन दोनों का मिलन किस प्रकार हुआ इसी चीज को बताते हुए वसुद को स्वयंपाद बताते हैं। तो जब श्री नारद मुनि ने जाके गणों के साथ मिलन होता है तो नारद मुनि का मन बड़ा विषण बड़ा दुखी है। तो उनको चतुर्सनों का तो पहले उनके इसी प्रकार मुक्का मन को दर्शन करते हुए उनको प्रश्न किए बोले कि आप इतने उदास क्यों हो और एक विशेष जानने के विषय है बोले कि जो व्यासदेव जी के जो अमरिन कृतित्व है सारे शास्त्र और ग्रंथ है बोले कि ये समाधि भाष्य समाधि भाष्य मतलब बोलते कि विषम एक ऐसा वस्तु है ये विषम से ही दो अमूल्य रत्न निकला है एक तो श्री रामायण और दूसरा ये श्रीमद भागवत बोले विषम कौन है बोले कि जब ये क्रौंच पक्षी का क्रौंच पक्षी को व्यास ने क्या किया ना मार डाला उनको तो उस समय ही क्या हुआ ना एक बार विषण हुए थे दूसरा विषण ही कब ना सारी सारी ग्रंथ लिखने के बाद रचना करने के बाद भी फिर व्यासदेव स्वयं बाद का मन में शांति नहीं मिला इसलिए विषण थे ये दोनों विषण से ही दो प्रमुख रत्न निकला। तो इसीलिए आज भी जो नारद मुनि का जो विषण है बोले कि साधु अपने के लिए कभी दुखी नहीं होता है साधु की यही स्वभाव है बोले कि तीन प्रकार के इस जगत में लोग आदमी बोले कि साधु स्वभाव के एक स्वार्थी एक दुष्ट साधु के स्वभाव क्या बोले कि पर दुख से ये दुखी होते और पर सुख से सुखी होते ये साधु का स्वभाव है अपने लिए कभी वो दुखी नहीं होते अपने लिए चिंतित नहीं होते हर समय अपना जीवन है ये उत्सर्गीकृत कर देते दूसरों के लिए ये साधु स्वभाव है। स्वार्थी स्वभाव किसका बोले कि जो बस अपना सुख देखते जो अपना सुख देखते बोले कि ना हम साधु है ना हम स्वार्थी बोले हमारा स्वभाव कैसा ना दुष्ट स्वभाव दुष्ट किसको कहते बोले कि दूसरे जब कभी कोई दुखी होता ना तो उसमें ही हाँ सुखी बोले पर सुखे दुख का हम क्या है पर सुख में हमारा दुखी पर सुख में ही हमारा दुख होता है। महाराज बोलते हैं एक बात बोले कि दूसरे का अगर घर में छत पड़े ना अपनी छाती में ज्वाला होता है क्यों क्योंकि हमारा स्वभाव इस प्रकार है दुष्ट स्वभाव। तो पर आज मैं नारद मुनि जिस कारण के लिए विषण हुए बोले कि अपने के लिए नहीं किसके कारण के लिए तो जब चतुर्सनों के दुख के कारण पूछ रहे हैं
तो ये नारद जी बड़ा अच्छे से बताते हैं क्या बोले, अहम तो पृथ्वी ज्ञातो ज्ञात सर्वोत्तमामिति पुष्परं च प्रयागं च ज्ञासिवदमरी तथा। बोले मैं ये भारत श्रेष्ठ भारत वर्षों को अत्यंत श्रेष्ठ मानते हुए वहां जाके उपस्थित हुआ। बोले वर्षाणां भारतम श्रेष्ठ, जितने सारे स्थान है उनमें से ये भारत अत्यंत श्रेष्ठ। बोले श्रेष्ठ क्यों, क्योंकि देखो यद्यपि भगवान अनेक पृथ्वी में स्थान है और भगवान जितने सारे अवतार ग्रहण किए, बोले कहा राम जी हैं उत्तर में, कृष्ण राम राम जितने भी सारे भगवान के अवतार स्थान में यही भगवान के अवतार। तो जितने सारी प्रमुख प्रमुख तीर्थ स्थान है, बोले काशी प्रयाग गोदावरी ये सारी सारी कहाँ है, बोले भारत। तो श्री नारद ने बताते अहम ये मतलब मैं ये पृथ्वी को सर्वोत्तम इति सारी सारी पृथ्वी जो पृथ्वी को सर्वसे उत्कृष्ट मानते हुए क्या किया यहाँ मैं आपके उपस्थित हुआ। और क्या क्या बोले हरिक्षेत्र कुरुक्षेत्र श्रीरंगम सेतु बंधनम, जो हरिक्षेत्र कुरुक्षेत्र वाले जो स्थान है श्रीरंगम और सेतु बंधन मतलब जो सेतु बंध है रामेश्वरम में, तो ये सारी सारे स्थान को तो मैं भ्रमण किया। बोले एवं आदि से तीर्थ से भ्रमण इतस्तुत, इतने जितने सारे तीर्थ स्थान है मैं क्या किया इतस्तुत होकर भ्रमण किया, मगर क्या कहीं भी मुझे बहुत शांति नहीं मिला। और चारों तरफ में देखता हूँ सारे सारे लोग क्या कर रहे हैं, विषय में प्रमत्त थे अपने कुटुंब भरण पोषण में क्या कर रहे, सारी सारी एनर्जी दे रहे भगवत साधन भजन के लिए, कोई भी उत्साही नहीं है। और ये कलिगत इतना प्रभाव हुआ कि उचित कर्म करके भी अपने जो परिवार वर्ग है उसको ही पोषण कर रहे और अंत में क्या करे नरक को जा रहे। तो इसी प्रकार का देखा इन कलियुग का जो जीव है उनका किस प्रकार, बल्कि मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्य की उपद्रता पाखंड निरत संतो विरक्ता स्वपरिग्रह, बल्कि मंदा मंदा मतलब होता है जितने सारे कलियुग जीव कैसा है उनका, सुमंद मतयो उनका जो मत है किस प्रकार, बल्कि सुमंद तंद मतलब मंद मतयो होगा और मंद भाग्य ही उपद्रता और सारी सारी क्या भाग्य अत्यंत मंद उपद्रता और सारी सारी क्या ना उत्पटन कार्य में सब व्यस्त है। तो मैं जितने सारे यहाँ मैं संत के रूप में संत वेशधारी है, बल्कि वो बस वेशधारी है और आचरण में कोई संत नहीं है, सारी सारी क्या कर रहे मतलब बाह्य रूप में स्वरूप तो संत के वेश धारण की है और अंदर वो संतता जो सारू था उनका अंदर है नहीं, सब पाखंड सब क्या ना पाखंड होता है। महाप्रभु ने चैतन्य चरित मत बात बताया, बल्कि भंड रहकर पाषंड भंड मतलब बोले कि जो सारी सारी ज्ञान दिन क्या है, ठीक है सारी सारी बहुत जानता है ये विधि है ये निषाद है ठीक है, मगर फिर भी वो जो पालन नहीं करता है क्या है वो भंड है। बोले पाषंड कौन है, बोले कुछ पाप तो करता है उनको कुछ शुद्ध अशुद्ध पाप पुण्य ज्ञान विज्ञान ये कुछ बात उनको पता ही नहीं, फिर भी वो क्या कर रहे पाप करोगा। और महाप्रभु ने बताया कि जो पाषण है उसका तो गति भाई वे है उसका तो गति अनायास में हो जाएगा, और जो भंड है सोचा मुझ के जो क्या कर रहे हैं फिर भी पाप आचरण करे तो उनका तो गति कभी भी नहीं हो, इसलिए पाषण का तो गति हो सकता है। जगाई माता ही थे ये क्या थे पाषण थे पता नहीं था, इसलिए महाप्रभु इतना प्रभुओं को अनायास में क्या किए अवधार किए। तो इसी प्रकार ये सारी सारी कलिहर जीव का ये सब अवस्था है, बल्कि न योगी न वह सिद्धवा न ज्ञानी क्षत्रियो न रह कलि दावा नरे नाते साधनम भस्मता कृतम। बोले एक ज्ञानी को मैंने देखा एक योगी को मैंने देखा, जितने सारी है ना सारी सारी क्या एक कलि दावा नरे मतलब कलि का जो ये दावा नरे सारी क्षेत्र भगवत भजन साधन है क्या भस्मता कृतम, कुछ है ही नहीं सब राम मतलब भगवान के भजन साधन में कोई किसी किसी का भी प्रवृत्ति नहीं, कोई भी प्रवृत्ति नहीं हो रहे सब अपने विषय वासना में सब मत करता। तो इसी प्रकार इस स्थान को दर्शन करके अत्यंत में दुखी हुआ और सर्व सारी जो तीर्थ स्थान है ये वृंदावन को धन्य मानते हुए वृंदावन को धन्य माने क्योंकि साक्षात भगवान के जहाँ विलास के लिए स्थान जहाँ भगवान साक्षात रूप में लीला विलास के एक एक रेणु में भगवान की लीला की साक्षी प्रदान करते वो वृंदावन में मैं आकर उपस्थित हुआ। और वृंदावन में आकर उपस्थित होकर अद्भुत दृश्य देख रहा हूँ क्या एक तरुणी नव तरुणी की गोद में
दो वृद्ध लेटे हुए हैं और उनके चारों तरफ प्यार और बहुत सारी और युवा तरुण क्या करे उनका अलर्ट जानवर जो उनको जल दे रहा है। इस प्रकार एक वहाँ दर्शन किया। तो मैं तो ब्रह्मचारी हूँ, इस बात को सोचते हुए मैं क्या किया उसे दूर जा रहा था। ठीक जब दूर जा रहा था वही नव तरुण ने बोले कि भो भो साधु क्षणम तिष्ठ चिंताशय दर्शन तब लोक सर्वदा हरम परम क्योंकि भव साधु क्षणम तिष्ठ है साधु थोड़ा रुक जाओ। तो नारद मुनि देख रहे कौन बोला है क्योंकि आपके तो दर्शन से क्या होता है जीव का अनाधिकार के जो भाव बंधन ये छूट जाता है, जीव का अनाधिकार के जो पाप है वो छूट जाता है। तो आपके दर्शन ही सारे सारे पाप होता है तो चला जाता है। आप मुझे कृपा करो मेरा जो और चिंता आपके नाश हो, मेरा जो चिंता है मेरा जो दुख है उसको आप क्या करो ना खत्म करो। तो फिर नारद मुनि पूछते आप हो कौन, आप क्या चिंता है। तो फिर उसमें ये भक्तदेव बोलते अहम भक्ति ख्यातम इमो में तनो मत ज्ञान वैराग्य नाम्यो काल काल जोगेन जर्जरा कि मैं भक्ति देवी हूँ। और ये जो दोनों देख रहे हो मेरा गोद में बुद्ध लेटे हुए हैं ये कौन है इमो में तनो तनयो मत अर्थात ये मेरा दो संतान है ज्ञान और वैराग्य और काल जोगेन ये कल के प्रभाव से ये दोनों क्या हो गए ना बुद्धत्व को प्राप्त किए। तो नारद मुनि बड़ा आश्चर्य होते भाई क्या जो माता होते वो वृद्ध होते हैं जो संतान होते वो ही विवाह होते हैं। इधर तो उल्टा हो गया जो माता है ये विवाह हो गए और ये जो ज्ञान वगैरह संतान ये भी वृद्ध हो गए। तो बोले ये किस प्रकार हुआ और आपका विशेष परिचय क्या। तो फिर भक्तिदेव बोलते वृद्धि कर्नाटक लता क्वचित क्वचित महाराष्ट्र बुद्ध लता कि मैं तो गुत्वन हुआ कर्नाटक में, कर्नाटक मतलब दक्षिण भारत में। इसलिए जितने सारे हमारा आचार्य वर्ग वैष्णव संप्रदाय प्रमुख आचार्य वर्ग वहां उत्पन्न हो गए क्यों क्योंकि वो भक्ति का जन्म स्थान है पूरा भारत में भक्ति वहां अभी भी वहां जाओ ना दक्षिण भारत में पता चला वेद वेदांत में पढ़ के पंडित लोग सब वही वहां है और वहां विशेष रूप में ठाकुर जी सेवा पूजा कितना वृद्धि से किया जाता है। तो वहां ही वास्तव में सारे सारे आचार्य वर्ग इस कारण के लिए जन्म हुए। तो बोलते हैं तो उत्पन्न भारत में ये भक्ति का जो जन्म उस स्थान में हुआ। फिर बोले कि वृद्धि कर्नाटक लेगा था कि वृद्धि में कहा न कर्नाटक में ये भक्त के विशेष प्रादुर्भाव दिखा गया मतलब वृद्धि विशेष प्रचार प्रसार भक्त के आचरण करते हैं। फिर बोले क्वचित थे महाराष्ट्र जो महाराष्ट्र में आए बोले कहा था भक्ति का प्रभाव प्रादुर्भाव और जब गुजरात में वो आए गुजरे तो क्या बोले वहाँ वृद्धि को प्राप्त क्यों क्यों सारी सारी वहाँ ये भक्ति का आचरण करने वाले हैं नहीं। तो अभी भक्ति देवी इस प्रकार प्राप्त किया मगर ये जो ज्ञान वैराग्य थे यही वृद्धत्व को प्राप्त कर लिए। तो मैं सोच रहा हूँ ये जो परीक्षित महाराज है ना वो कहाँ गए ये ही सारी सारी जो असुविधा की जड़ बोले क्यों राजा ने अशुचि कलि अशुचि अशुचि कलि क्यों इधर स्थापन किए। तो श्री नारायण मुनि कलि का एक ही सर्व उत्कृष्ट गुण को बताते हैं बल्कि यद्यपि अनेक अनेक दोष है मगर जो साधु होते वो दोष ग्राही नहीं होते वो क्या होते गुण ग्राही होते। सौ गुण होने के बाद भी दोष होने के बाद अगर एक गुण हो तो साधु का यही स्वभाव है उसमें गुण के दर्शन करते हैं। तो वो क्या गुण है बोले कि जत फलम नास्ति तपसा न जोगे न समाधि न तत् फल लभते सम्यक करो केशव कीर्तना बोले योग और साधन और जितने सारी तपसा मतलब तपस्या के द्वारा जो चीज प्राप्त नहीं हो सकता है अन्य अन्य युग में और कली में बोले केशव कीर्तना ये केशव भगवान की कीर्तन में ही सारी सारी वस्तु प्राप्त हो जाता है। तो इसीलिए ये ही कलयुग का ही क्या है विशेष गुण है। तो इसी चीज को जो ये बोले तो नारद मुनि प्रसन्न हुए और भक्ति देवी अभी नारद मुनि क्या कर रहे भगवान कर रहे बोले की जय तु माया जस्य काया वचन रचन मेकम केवलम चातुर्ज ध्रुवपदमपि जातु जत कृपा तदुभयम्
सकलकुशल पात्र ब्रह्मपुत्र नतास्मी हे ब्रह्मपुत्र हे ब्रह्मा के संतान मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आपकी तो कृपा से ये जो कयादु संतान माया को जय कर लिए, आपकी कृपा से ध्रुव्रत प्राप्त किए, तो हे प्रभु आप क्या करो मुझे कृपा करके मेरा ये चिंता को नाश करो। फिर आप हफ्ते से आगे समाप्त करें। आप कितने लास्ट में पाँच मिनट बोलो बोलो पाँच मिनट पाँच मिनट दस मिनट बोलो जल्दी आ जाओ। अज्ञात विरांगस्य ज्ञानांजन शलाकाय चक्षुरं मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसने गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम गुरुपाद पद्म परम आराध्य तम श्री श्रीमद् भक्ति विनायक श्री गुरु स्वामी महाराज के चरणों में अनंत अनंत कोटि करोड़ प्रणाम करता हूँ। तदुपरांत समस्त रूपानु गुरु परंपरा के चरणों का आश्रय लेते हुए उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी सभी के चरणों में रहते हुए प्रणाम। हम पहले श्रवण कर रहे थे किस प्रकार भक्ति देवी को दुखी देखकर और नारद जी ने आए थे बद्रिकाश्रम में चतुसन के पास में, और चतुसन को उन्होंने बताया कि मैंने सारे वेद वेदांत उपनिषद इत्यादियों का सार मैंने ज्ञान वैराग्य को सुनाया, तब पर भी उनको चेतनता प्राप्त नहीं हुई। तो उस समय पर चतुसन उनको वर्णित कर रहे थे कि जैसे आपने क्या श्रीमद् भागवतम का पाठ किया, पहले तो उसने प्रश्न किया, तब पर नारद जी कहते हैं कि सारे वेदों का सार श्रीमद् भागवतम में आप बता रहे हो, लेकिन मैंने तो साक्षात वेद ही उनको सुना दिया, पुराण वेद उपनिषद इत्यादि सब मैंने ज्ञान वैराग्य को सुनाया है, लेकिन फिर भी उनको चेतनता प्राप्त नहीं हुई है, तो अभी अलग से श्रीमद् भागवतम का पारायण की क्या आवश्यकता है। तो उस समय पर चतुसन उत्तर देते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार एक आम्रफल उसके प्राप्त होता है वृक्ष से ही, लेकिन आम्रफल को बड़ा मीठा जानकर यदि कोई विचार करे कि इसके पेड़ में कितना रस होगा, इसके पत्ते और तने में कितना रस होगा, तो क्या उसको मिठास मिलेगी? वो मिठास नहीं मिलेगी। जबकि घी प्राप्त होता है दूध से ही, लेकिन जलते हुए दीपक के अंदर यदि कोई घी की जगह दूध डाल दे तो क्या वो काम करेगा? वो ये काम नहीं करेगा। जिस प्रकार शक्कर मिलती है गन्ने के रस से ही, लेकिन शक्कर का काम शक्कर ही करती है, जबकि घी प्राप्त हुआ है दूध से ही, जबकि फल प्राप्त हुआ है वृक्ष से ही, लेकिन जिस प्रकार उनका कार्य वही करता है, उसी प्रकार श्रीमद् भागवतम प्राप्त हुआ है वेदों से ही। सर्व वेदांत सारम ही श्रीमद् भागवतम इष्यते, श्रीमद् भागवत सभी वेदों का सार स्वरूप ही है, होने पर भी श्रीमद् भागवतम जो फल प्रदान करेगा वो वेद वेदांत के पाठ से नहीं होगा। जब नारद जी ने जब चतुसन ने इस प्रकार व्याख्या करके नारद जी को समझाने की कोशिश करी, तब नारद जी की ये बात समझ में आ गई, और नारद जी वहां पर चतुसन की स्तुति करते हुए कहते हैं भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमो लभे पुरुषो यदावी, और कह रहे हैं कि इसके अंदर कि बड़े 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 कोटि कोटि जन्मों का यदि भाग्य उदय होता है तब जाकर किसी को सत्संग की प्राप्ति होती है। हे चतुसन, मैं आपके दर्शन करने से मैं कृतार्थ हो गया, मुझे आप जैसे भक्तों का आज संग मिला है तो मैं कृतार्थ हो गया। क्यों? क्योंकि एकमात्र सत्संग से ही क्या होता है, सत्संग से भैया बता रहे हैं जन्म की जो मोह जनित अज्ञान द्वारा जो मोह जनित हुआ है उस मोह का नाश एकमात्र सत्संग से ही होगा। हम सब इस माया के अज्ञान द्वारा आवरित है और उसके कारण हमारे इस संसार में जो भी ग्रंथियां हैं उसको छेदन करने वाला एकमात्र सत्संग ही है। साधु की हरिकथा श्रवण करने से ही हमारे संसार का मोह बंधन नाश होता है। इसलिए कह रहे हैं कि भाग्योदय है बहु जन्म समर्जिते न, कोटि कोटि जन्मों का यदि कोई सौभाग्य उदय होता है तो भगवान उसे सत्संग में मिला देते हैं। उसके बाद में नारद जी प्रश्न करते हैं कि बतलाइए अभी सत्कर्म कहाँ किया जाए, तो उन्होंने कहा कि हरिद्वार। चतुसन कहते हैं हरिद्वार में हम ही सत्संग करेंगे। क्या? क्योंकि बद्रिकाश्रम में सभी साधु लोग रहते हैं तो वो थोड़ा उतर के नीचे आ जाएंगे, और गृहस्थ लोग जिनकी सुनने की इच्छा होगी वो भी थोड़ा ऊपर उठ के हरिद्वार में आ जाएंगे। तो हरिद्वार को बड़ा सुंदर क्यों बता रहे हैं, हरिद्वार बड़ा ही रमणीय स्थान है, वहां पर सुंदर गंगा नदी का प्रवाह है, वहां आनंद घाट पर बड़े सुंदर सुंदर वृक्ष हैं,
हरे हरे वृक्षों और सभी फल फूलों से सुसज्जित वातावरण है, बड़ी कोमल बालू लगी हुई है वहां पर, वहां पर जो पशु पक्षी हैं, हिंसक पशु भी वहां पर उनका कोई वैर भाव नहीं है, और वो इतना सर्वश्रेष्ठ स्थान है कि देवताओं ऋषियों सभी द्वारा वो सेवित स्थान है, इसलिए हरिद्वार को चयन किया। हरिद्वार के आनंद घाट में ये कथा का पारायण करेंगे। ठीक है, नारद जी ने भी उस समय पर भक्ति ज्ञान और वैराग्य तीनों को लेकर वहां आने का संकल्प किया, और जब ये खबर सबको पता लग गई कि चतुस्वयं स्वयं भागवत करेंगे, नारद जी के साथ नारद जी को श्रवण करवाएंगे, तो सारे ऋषि भृगुकुलस्थ वाल्मीकि भृगुकुलस्थ और सारे व्यासदेव जी छायाशुभ सभी ऋषिगण वहां पर विराजमान हुए हैं। सारे वेद वेदांत की जो ऋचाएं थी उन्होंने भी एक एक स्वरूप लेकर कथा श्रवण करने के लिए आ गए। सारी पवित्र नदियां गंगा यमुना गोदावरी सरस्वती वे सब भी अपने वहां पर विराजमान हुई हैं। सारे गृहस्थ ब्रह्मचारी सन्यासी सभी लोग वहां पर पंक्तिबद्ध होकर और विराजमान हो गए हैं। अभी चतुर्सन यहाँ पर कथा आरंभ करेंगे, और कथा आरंभ करने से पहले कथा की महात्म्य बता रहे हैं। कहते हैं सदा सेव्यां श्रीमद् भागवती वार्ता यस्य श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रये। यह वर्णन करते चतुर्सन की श्रीमद् भागवत परायण यद्यपि सप्ताह रूप में किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं कि साधे श्रवण किया और उसके बाद में श्रीमद् भागवतम से कोई मतलब नहीं। कह रहे सदा सेव्यां श्रीमद् भागवती वार्ता, कि ये श्रीमद् भागवत किसी एक दिन का सात दिन का सप्ताह का चीज नहीं है, इसकी नित्य सेवा करनी पड़ेगी। नित्यम भागवत सेवया, इसकी नित्य सेवा करनी पड़ेगी, और यदि कोई ऐसा करता है तो उसको फल क्या प्राप्त होगा। कहते हैं हरिश्चित्तम समाश्रये, जिनके हृदय में भगवान स्वयं आकर विराजमान हो जाएंगे। अभी यदि कोई प्रश्न करे कि हमारा हृदय, हमारा जो एक घर है, इस घर में तो पहले ही काम क्रोध लोभ इत्यादि सबने घेरा डेरा जमा रखा है, तो उस समय पर कहते हैं कि क्योंकि भक्ति जिनके हृदय में विराजमान हो जाती है तो ये सारे अनर्थ दूरीभूत होकर भगवान को वहां पर विराजमान कर देती है। तो इसलिए कह रहे हैं सदा सेव्यम, इस भागवत की यदि कोई नित्य सेवा करे तो भगवान के हृदय में आकर विराजमान हो जाएंगे। ग्रंथो अष्टादश सहस्त्रो द्वादश स्कंद संबंधित, चतुर्सन कहते हैं कि ये कैसा ग्रंथ है, द्वादश स्कंद और 18,000 श्लोक से सुशोभित ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ है, और इसके श्रवण का इतना सर्वश्रेष्ठ फल है कि यदि कोई पृथ्वी के समस्त तीर्थों में स्नान करे तब पर भी उसका एक 16वां भाग भी बराबर नहीं कर सकता। कोटि कोटि अश्वमेध यज्ञ यदि कोई कर ले तब पर भी श्रीमद् भागवतम के साथ में बराबरी नहीं कर सकता। एकमात्र श्रीमद् भागवतम ही ऐसा शास्त्र है जो मुक्ति प्रदान करने वाला है। एकम भागवतम शास्त्रम मुक्ति दाने ने गर्जति, कहते हैं जैसे शेर सिंह जैसे गर्जन करता है उसी प्रकार श्रीमद् भागवतम एक शास्त्र है जो घोषणा कर रहा है कि मैं मुक्ति प्रदान करूंगा। इतना सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, लेकिन इस भारत भूमि पर जन्म लेने के पश्चात भी जिन दुर्भाग्यों ने इस श्रीमद् भागवत ग्रंथ का श्रवण नहीं किया, बताते हैं श्री चतुर्सन कि वो चंडाल से भी गए गुजरे हैं, जो कुत्ते का मांस खाते हैं उन चंडालों से भी गए गुजरे हैं। भागवतम गाली देता है उनको, वो क्या है खरवत अर्थात गधे के समान है, उन्होंने अपना मनुष्य जीवन ऐसे ही व्यर्थ व्यतीत कर दिया। गधा क्यों बतलाया, देखो गधे के क्योंकि गधे का एक और नाम है वैसाख नंदन, जो वैसाख ऋतु आती है ना तो उस समय पर गधा बड़ा मोटा हो जाता है, लेकिन सावन के अंदर देखोगे जब हरी हरी घास होती है तो बड़ा सूखा सूखा रहता है। जानते हो किस लिए, क्योंकि जब सावन के अंदर सब हरी हरी घास होती है ना तो उसको देख देख के गधा सोचता है कि अरे यार इतनी सारी घास है, मैंने तो कुछ खाया ही नहीं। यदि भी खाता खाता आगे रहता है, लेकिन पीछे मुड़ के देखता है फिर वापस सारा मैदान भरा हुआ, तो यही सोच सोच के पतला हो जाता है कि मैं तो कुछ खा ही नहीं पा रहा, देखो इतनी सारी घास है। लेकिन वैसाख के अंदर क्या होता है, हरी घास कम हो जाती है, तो थोड़ा बहुत चलने से ये देखता है कि सारा मैदान खाली पड़ा है, अरे मैंने इतना सारा खा लिया, तो ये सोच के वैसे वो क्या हो जाता है, बड़े फूल जाता है, मोटा हो जाता है। तो ऐसे ही दुर्बुद्धि जनित, ऐसे ही दुर्बुद्धि वाले लोग कौन है जिन्होंने श्रीमद् भागवतम का श्रवण नहीं किया। इस प्रकार श्री चतुर्सन भागवत की बड़ी महिमा गान कर रहे थे, और जब ये महिमा गान कर रहे थे बड़ी एक आश्चर्य चीज देखी, क्या कहते हैं भक्ति सुतौतो तरुणी गृहीत्वा सहसा विराम, कह रहे वहां पर कि भक्ति देवी स्वयं वहां पर ज्ञान और वैराग्य के साथ में प्रकट हो गई और पूर्ण नवयौवन को प्राप्त करती हुई, उनके दोनों पुत्र भी वहां पर
प्रकट होके और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथे ति नामाति मुहुर वदन्ति, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे भगवान के भगवत नामों का कीर्तन करते हुए नृत्य करते हुए तीनों वहां पर उपस्थित हुए हैं। इसके बाद में क्या हुआ हम आगे श्रवण करेंगे। गौर प्रेमानंद क्या तुम बोलोगे कल बोलना था। कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले गुरुपाल ब्रह्मा ओम विष्णुपाल अष्टोदन दशीषण भक्तिविलास श्रीधर गोस्वामी गुरु महाराज चरण साष्टांग वंदन प्रणाम करके उनका यति विधि पावन करता हूँ। तत्पश्चात गुरुपाल गुरुपाल ब्रह्म परम गुरुदेव वर्ग सोपाल से सतर्गर गौर नित्यानंद प्रभु राधा गुरुपाल उपस्थित सदी चंद्र तरुण वैष्णव वैष्णव हम लोग पहले ये पद्म पुराण अंतर्गत सुबेर व्यास जी द्वारा रचित भागवत महात्म स्मरण कर रहे थे कि जिस समय भक्ति देवी को दुख को देख के ये नारद जी ने क्या किया ना भक्ति देवी को, भक्ति देवी के दो पुत्र बड़े वृद्ध हो चुके थे, जराजीर्ण हो चुके थे और उनका प्राण धीरे धीरे उनका बस श्वास मात्र ही चल रहा है और उसी समय पे इन्होंने वेद वेदांत उपनिषद सारे सुनाया और अंतिम में जो गीता श्रीमद् भागवत गीता को श्रवण कराया। थोड़े देर के लिए तो चेतना हुआ फिर पुनः उन्होंने फिर मूर्छित हो जाए। तो जगत में ऐसा कौन सा सत्कर्म है सद्धर्म है उसको उन्होंने मतलब बोला कि इससे भी बड़ा श्रेष्ठ साधन क्या है, मैंने गीता सुना दिया गीता से भी और श्रेष्ठ क्या हो सकता है। तो ये पूछते पूछते पूरा भ्रमण करते हुए सबको एक एक करके पूछ रहे हैं, सबको एक एक करके जैसे पूछ रहे हैं तो नारद जी जैसे महाभागवत नारद जी जैसे भक्त सबको अलग अलग करके पूछ रहे हैं तो सब हाथ ऊपर के ऊपर उठा कर बोल रहे हैं भाई हमें नहीं पता, क्योंकि नारद जी को खुद नहीं पता तो बाकी यहाँ कोई बात ही क्या है। तो वहाँ पे सब लोग पूछते पूछते नारद जी ने सबसे पूछते पूछते श्री बद्रिका आश्रम पे गए और बद्रिका आश्रम पे वहाँ पे चतुसंग को चतुसंग के साथ वहाँ का भेंट हो गया। तो यहाँ के आगे कथा कि चतुसंग को ये सारे के सारे कथा नारद जी ने पहले सुना दिया है कि ऐसा ऐसा मैंने वृंदावन पे गया और वृंदावन में मैंने इस प्रकार का भक्ति देवी को मैंने क्या किया ना आश्वासन दे के इसी कृष्ण चरणांग को जो स्मरण दुख गमिष्यति कि हे भक्ति देवी आप क्या करो ना हर समय श्री कृष्ण के चरणांग मुझे को स्मरण करो चरण युगल को स्मरण करो आपका सारे के सारे दुख क्या होगा ना गमिष्यति चला जाएगा। तो इसी प्रकार आश्वासन दे के मैं अभी आ रहा हूँ आप मुझे कृपा करके सत्संग के बारे में बताइए। तो ये चतुसंग हंसते हुए बोलने बोले नारद जी आप भूल गए हो क्या जिस समय ये वेद व्यास जी अठारह पुराण को रचना करने के बाद उनके मन में भी जब ये दुखी हो गए थे उनके मन में संतोष नहीं हुआ था तब आपने ही तो उनको उपदेश दिया था, आपने ही उनको श्रीमद् भागवतम लिखने के उपदेश दिया था। तो सनातन बोल रहे हैं आपने उनको चतुसंग आदि बता रहे हैं कि आपने उनको श्रीमद् भागवतम की कथा सुनाया था ज्ञान वैराग्य को। तो वो बोल रहे हैं कि नहीं मैंने तो वेद वेदांत सारे के सारे उपनिषद गीता और अन्य अन्य सारे शास्त्र सुना दिया और श्रीमद् भागवतम क्या है अर्थोयम ब्रह्मसूत्रानं भारतार्थ विनीतं गायत्री भाष्य रूपस्य वेदार्थ परिभूमिका वेद का सार है वेद और ब्रह्मसूत्र का ये सार है। तो बता रहे मैंने तो पूरा पूरा ब्रह्मसूत्र सुना दिया ये तो ब्रह्मसूत्र का सार है और मैंने पूरा पूरा क्या क्या इनको वेद का सार सुना दिया फिर भी इनको कुछ नहीं हुआ। तो वहां पे चतुसंग ने तीन उदाहरण दिए। सर्वप्रथम उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे आम का फल हम आम का फल को जैसे जब चूसते हैं वो कितना हमको आनंद लगता है तब हम अगर सोचने लगेंगे आम का फल अगर इस प्रकार स्वाद है तो आम को जिसने पैदा किया यानी वृक्ष पेड़ वो पेड़ को जाके खाने लगेंगे पेड़ के काष्ठ पेड़ के पत्र पेड़ की शाखा टहनी आदि वो अगर खाने लगेंगे तब क्या होगा उसी प्रकार का रस आस्वादन नहीं मिलेगा। यद्यपि पेड़ में पूरा का पूरा रस है फिर भी वो पेड़ का रस क्या किया गया है एक जगह पे आम में फल में उसको साल में
उसी आम को प्राप्त करने से, आम खाने से ही उस रस का आस्वादन किया जा सकता है। तो बताने कि वेद रूपी कल्प वृक्ष में जो फल हुए, पका हुआ जो फल हुए, निगम कल्प द्रव सुखा मुख द्रव समझित क्या है नहीं, पूरा का पूरा वेद रूपी जो वृक्ष का जो फल है ये क्या है, श्रीमद भागवतम। इसे श्रीमद भागवतम को श्रवण मात्र से जो फल मिलेगा वो वेद वेदांत शास्त्र को श्रवण करने से फल नहीं मिलेगा। दूसरा उदाहरण दे रहे हैं कि जिस प्रकार दूध में ही घी है, लेकिन हम सोचेंगे कि दूध में ही घी है, अगर हम बोलेंगे कि पूरी छोकेंगे या कोई सब्जी बनाएंगे तो घी के बदले अगर हम दूध में छोकने शुरू कर दें तो कभी भी कार्य नहीं करेगा, उसका घी का कार्य घी ही में ही समाहित है। और तीसरा उदाहरण दे रहे हैं कि जिस प्रकार गन्ना, गन्ना के पूरा का पेड़ में ही उस शर्करा है, शर्करा यानी चीनी, शर्करा है चीनी। तो बता रहे हैं कि जिस प्रकार का गन्ना का पेड़ में जो काम करते हैं तो वो शर्करा, मतलब जिस प्रकार शर्करा में काम करते हैं जिसका स्वाद आता है, तो उसमें भी उतना ही मात्रा में स्वाद होने पर भी वो क्या है, सहज सुलभ सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो इसमें तीन प्रकार का उदाहरण तीन दृष्टिकोण से अलग अलग करके जतिसन दे रहे हैं यहाँ पे नारद जी को। और जैसे ही नारद जी को सारे के सारे भागवत जी का महिमा बताया, तब नारद जी को पूरा उनको दिमाग में आ गया कि मुझे क्या करना चाहिए था, कि श्रीमद् भागवतम सुनाना चाहिए था। तो वहाँ पे बता रहे हैं कि ये श्रीमद् भागवतम कथामृत है, तो कथामृत होने के कारण प्रश्न उठा रहा है कि भाई कथामृत है तो पूरा का पूरा चलाओ, बहुत देर बहुत दिन तक श्रीमद् भागवत का कथा करो, साथ ही नहीं क्यों करना है। तो यहाँ पे इसी कारण वजह से ही चतुसन ने सात दिन क्यों किया जाता है, सात दिन में सात दिन का जो विधि है ये सबसे पहले चतुसन ने नारद जी को बताया कि सात दिन में किस प्रकार भागवत जी को कथा श्रवण किया जाता है। तो उसी प्रकार जैसे ही नारद जी ने, नारद जी के इन सब उपदेश मिला तो वहाँ पे नारद जी का सारे के सारे जो अज्ञान मोह था वो दूर हो गया और वो बोल रहे हैं कि भाग्योदय न बहुजन्म समर्पित न सत्संग चलवेत पुरुषं जरावे। बता रहे कि भाग्योदय से एक जीव का बड़े बड़े भाग्य, बड़े बड़े दुर्लभ से एक जीव को किसी न किसी जन्म में गुरु वैष्णव का कृपा प्राप्त होता है। ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद भाई भक्ति लता भी ब्रह्मांड भ्रमण करते करते जो भाग्यवान जीव है और जो बड़े उनका अगर भाग्य उदय हो चुका है तो बड़े भाग्य से ही क्या होता है ये संत का संग मिलता है। आप जैसे संत का मुझे संग मिल गया, इसका मतलब मुझे क्या होगा ना, अज्ञान हेतु कृत मोह अंधकार, अज्ञान कृत मोह, अज्ञान के द्वारा जो मोह उत्पन्न हुआ है, मोह रूपी जो अंधकार हुआ है मेरे, तो क्या होगा धीरे धीरे नाशम विदय ही तत्व उदय, तो धीरे धीरे नाश होके उदय विवेक, मुझे क्या करना क्या किया ना, आपके दर्शन मात्र से उसी अज्ञान रूपी का मोह अंधकार दूर होके आपका दर्शन मात्र से ही वो ज्ञान रूपी वो विवेक रूपी जो सूर्य मेरे हृदय से क्या प्रकाशित हो गया है, इसलिए आप मेरी कृपा किए कृपा कीजिए। और ये आगे का प्रश्न, आगे हम क्या करेंगे कृपा करके बताइए। तब चतुसन बोलते हैं कि हे नारद जी आप क्या करो ना, ये हरिद्वार पे, ये हरिद्वार क्या है सप्तपुरियों में एक पुरी, और इसका एक बड़े बड़े देवता ऋषि मुनि के द्वारा जो बंद स्थान है और देव भूमि है, और इसीलिए यहाँ पे हरिद्वार का एक नाम को बोलते हैं मायापुरी। मायापुरी अर्थात जहाँ पे माया रही, जहाँ पे हिंस जंतु शेर हिरण आदि एक साथ रहते हैं, फिर भी उनको किसी प्रकार का माया ग्रस्त नहीं है, किसी प्रकार का द्वेष नहीं है, और यहाँ पे बड़े बड़े ऋषि मुनि बड़े बड़े योगी हो यहाँ पे साधन किए हैं, यहाँ पे तपस्या किए हैं, और यहाँ से ऊपर बद्रिका आश्रम है और बद्रिका आश्रम से भी सब लोग आ जाएंगे और देवता गण तो यहाँ निवास करते ही हैं, और सारे ऋषि मुनि निश्चित रूप में इस स्थान पर तपो स्थान पर ये जो तपो भूमि है इसमें निश्चित रूप में आ जाएंगे। तो आप क्या करो निमंत्रण कर दो कि चतुसन यहाँ पे भागवत जी करेंगे और वहाँ पे भक्ति और ज्ञान वैराग्य को भी वहाँ पे आप निमंत्रित कर दो। तब ये बात सुन के वहाँ पे बहुत सारे ऋषि, बहुत सारे ऋषि मुनि देवता नाग यक्ष किन्नर आदि सब सारे के सारे जो थे
श्री हरिद्वार में उपस्थित होते हैं और क्यों उपस्थित हुए कि चतुर्संग कथा श्रवण कराने जा रहे हैं, नारद जी को कथा श्रवण करने जा रहे हैं, तो कथा सुनने की इच्छा थे, कथा में अमृत को सुनने के लिए वहाँ पे सब उपस्थित होते हैं। और जो लोग वहाँ पे नहीं आते हैं, जो जो ऋषि मुनि वहाँ पे भी कुछ कुछ लोग रह जाते हैं, ये बाद में ये वशिष्ठ जी घर घर जाके सबको बुला बुला के वहाँ पे हरिद्वार में सुने हो चतुर्संग कथा कर रहे हैं हरिद्वार में, सबको वहाँ चलना चाहिए, इस प्रकार निमंत्रण देके वहाँ पे लेके चलते हैं। तो चतुर्संग जैसे ही कथा शुरू करते हैं वहाँ पे भक्ति देवी अपने दो बूढ़े पुत्र ज्ञान और वैराग्य को लेके वहाँ पे उत्पन्न होते हैं और भक्ति देवी वहाँ बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, हरे मुरारी कृष्ण के नाम को उच्चारण करते करते कीर्तन करते करते वहाँ पे सारे साधु लोग संत लोग वहाँ पे जय जयकार कर रहे हैं, स्वर्ग के देवतागण बंधु भी आदि बातें कर रहे हैं, पुष्प वृष्टि कर रहे हैं, अप्सरा आदि नृत्य कर रहे हैं उस स्थान पे, क्योंकि चतुर्संग अभी भागवत कहने जा रहे हैं। तो सबसे पहले चतुर्संग जी ने ये भागवत जी का महिमा बताया कि सदा से प्या श्रीमद भागवत कथा जिससे स्मरण मानते ना भरिश्चितम समास है कि सदा से प्या इसको क्या करना चाहिए कि निरंतर सेव्य। जिस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी पाद ने वो बोले कि मंगलाचरण श्लोक में बोले कि मुहूर् मुहूर् इसको पान करना चाहिए, प्रत्येक क्षण मुहूर् मुहूर् हर समय इसका क्या करना चाहिए ना आश्वासन करना चाहिए। उसी प्रकार सदा सेव्य इसको हर समय सेवा करना चाहिए। सेवा करना मतलब नहीं कि ग्रंथ को आरती कह रहे, सेवा करना का मतलब इसमें आगे बता रहे हैं कि श्लोकार्धम श्लोकपादम का नित्य भागवत अनुभव। अगर कोई जीव श्लोकार्धम श्लोकपादम का आधा श्लोक या श्लोक का चार चरण होता है, एक श्लोक में चार चरण होता है, उसका एक पाद एक चरण को अगर भी कोई पाठ करे या आधा श्लोक या पूरा श्लोक कुछ भी पाठ करे श्रीमद् भागवत नित्य भागवतम अगर पढ़े तो उसका क्या हुआ, पटस्थ स्वमुख जन इच्छा से पराम गति, उसका इस प्रकार का इच्छा भी मात्र हुआ तो बता रहे हैं उसको पराम गति भगवान के धाम वैकुंठ धाम और भगवान के नित्य धाम उसको क्या होता है प्राप्त होता है। इस प्रकार भागवत जी का बड़ा महिमा यहाँ पे बता रहे हैं। न गंगा गया काशी पुष्कर न प्रयाग कि गंगा स्नान गया काशी पुष्कर आदि समस्त तीर्थों में स्नान करने के बाद भी जिस फल को प्राप्त नहीं कर पाते और बड़े बड़े यज्ञ करने के बाद भी जिस फल को प्राप्त नहीं कर पाते, बड़े बड़े दान सुमेरु जैसा स्वर्ण दान करने के बाद भी, सुमेरु पर्वत कोई देखा भी नहीं हुआ इतना ऊंचा है और इतना मात्रा में सोना, तो बता रहे हैं कि इसका भी दान का वहाँ पे तुच्छ बता रहे हैं। और इसमें बता रहे हैं कि जो योगी गण है जो ज्ञानी गण है इसके भी अगर इनके हृदय में भी अगर ये कथा मृत्य रसायन अगर उनके हृदय में भी क्या हुए ना प्रवेश करे तो वहाँ पे ये लोग भी क्या हो कथा के प्रति आकृष्ट हो जाएंगे, आकृष्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार का जो भागवत जी कथा है कथा अमृत है तो उसको क्या करना चाहिए ना निरंतर पाठ करना चाहिए, सदा सज्जन हर समय उसको सेवा करना चाहिए और हर समय श्रीमद् भागवतम का कथा श्रवण करना चाहिए। तो जैसे ही श्रीमद् भागवतम का कथा श्रवण करवाया तो वहाँ पे भक्ति देवी पुनः तरुणी फिर से धीरे भक्ति देवी तो तरुणी थी ही, भक्ति देवी के जो दो पुत्र ज्ञान और वैराग्य वो धीरे 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 उनका जो वृद्ध अवस्था जीर्णता हो गए थे वो धीरे धीरे वहाँ पे सुस्त होने लगे, नवयुवन हो गए होने लगे और ये सब देखते ही भक्ति देवी बड़े प्रसन्न हो गए और बड़े प्रसन्न हो के भक्ति ही पर नृत्य करने लगी और नृत्य करके सबके हृदय में विराजमान किया। भक्ति देवी वहाँ पे सबके हृदय में बैठ जाती है, तब जब भक्ति देवी सबके हृदय में बैठ जाते हैं पूरा का पूरा स्थान भक्तिमय हो जाता है, तब वहाँ पे साक्षात ठाकुर जी प्रकट हो जाते हैं। तो उसके पश्चात जो कथा है कल समाप्त हो गई। हरे कृष्ण कल तुम्हें कल तुम सबसे पहले ओम ज्ञानद्वयामनस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे।
श्री श्रीमद भक्ति श्रीरो सिद्धार्थ गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु पाद पद्म विष्णु पाद अष्टोत्तर सत्य श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीलाभ नारायण गोस्वामी महाराज के चरण कमल में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों को यथाग्रह प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। यहाँ पर प्रभुपाद किसने प्रश्न किया है, क्या साधु संघ का क्या विशेष प्रयोजन क्या है, मतलब जीवन पाकर क्या हमें साधु संघ करनी चाहिए? तो प्रभुपाद कहते निश्चय जीवन पाकर के निश्चित रूप में साधु संघ हमें करनी चाहिए। इसलिए महाप्रभु कहते हैं साधु संघ सर्वशास्त्र का लव मात्र साधु संघ सर्वसिद्धि है। इसलिए हर शास्त्र कहता है साधु संघ हमें करनी चाहिए। इसलिए कहते साधु संघ अपरिहार्य प्रयोजनीय, मतलब जो साधु का जो संघ है कहते निश्चित रूप में ये साधु संघ करनी चाहिए, किंतु अधिकार अनुसार संभव है। कहते साधु संघ तो करते हैं, लेकिन कहते जो साधु संघ है कहते अपना अधिकार के अनुरूप हमें संघ करनी चाहिए है? जैसे तुम्हारी अधिकार है उसी के अनुरूप संघ करनी चाहिए। कहते निकट थाकिले जो संघ है कान साधु संघ करनी चाहिए। कहते भैया साधु का संघ में पास में रहने पर भी क्या साधु संघ हो जाते हैं? बोले नहीं है। उदाहरण देते हैं साधु को जो जटाजू जिनका होता है ना उसमें भी जू रहता है, कीड़ा रहता है, देखना वो क्या करता है, वो साधु का खून चूसता है, रहता है तो साधु का सर पर, लेकिन करता है क्या साधु का वो खून चूसता है। अगर हम साधु के पास में रहे लेकिन रहने पर भी भैया साधु संघ नहीं होता है, संघ मतलब क्या है? कहते सम्यक रूप में अनुभव, मतलब साधु लोग जो बोलते हैं उसको अपना जीवन में उतारना ही उसको साधु संघ कहते हैं। अगर साधु के पास में रहे लेकिन कोई साधु का कोई आचरण को उनका भजन पद्धति को हम अपना जीवन में उतारते नहीं, क्या उसको साधु संघ कहते हैं? कहते नहीं, वो साधु संघ नहीं कहते हैं। अगर इसलिए गुरुदेव कहते अगर साधु गुरु जी को पास में रहे गुरु जी की सेवा करे लेकिन उसका नजर गुरु जी की पकड़ में है, गुरु जी जाने के बाद इसलिए हम सेवा कर रहे हैं, उनके सारे माल मसला सब मिल जाएगा, इसलिए हम संग कर रहे हैं, लेकिन उनका जो हृदय संपत्ति जो भगवत प्रेम है, लेकिन भगवत प्रेम में कोई ध्यान नहीं, केवल ध्यान है उनकी संपत्ति प्रपटी होकर उनकी केवल ध्यान है, कहते नहीं इसको इसको साधु संग नहीं कहते हैं। इसलिए कहते हैं भाई साधु को पास में रहने पर भी साधु संग नहीं होता, जब तक उनके आदर्श को हम पालन नहीं करते हैं। कहते अति दूरे थाकिया वो संग है, कभी कभी क्या होता है दूर में तो रहते हैं लेकिन कभी कभी संग हो जाते हैं, कारण क्या? अरे गुरु जी का आदेश को उपदेश को वो सही सही रूप में अपना जीवन में उतार रहे हैं, गुरु जी का आदेश को पालन कर रहे हैं, गुरु जी ने जो सेवा उसको प्रदान किया है हैं गुरु जी की सेवा को उनका आदेश को भले ही वो दूर रहता है लेकिन गुरु जी ने जो बताया उसको अपना जीवन में उतार रहे हैं, निष्कपट रूप में हैं गुरु जी की सेवा कर रहे हैं। इसलिए कहते आबार एक घर पास करिया और संग है, कोई व्यक्ति गुरु जी को एक ही घर में रहते हैं है? गुरु जी एक घर में सोते हैं उठते हैं बैठते हैं लेकिन रहते हुए भी संग नहीं हो सकता है, क्यों? रहने पर भी गुरु जी का आदर्श को अपना जीवन में उतार नहीं रहे, इसलिए उसको संग नहीं कहते हैं। आबार निकटे थाकिया और संग है, दूरे थाकिया और संग है ना, साधु संग सुजग प्रदान जैसे मठ मंदिर उपवास व्यवस्था। यहाँ पर कहते हैं कहते कभी कभी गुरु जी के पास में रहते हुए भी संग होता है, बोले कैसे? बोले गुरु जी की भजन पद्धति को जो अपना जीवन में उतारता है, उनके हृदय की भावना को जो समझते हुए है, जो व्यक्ति साधन भजन करते ही पास में रह करके तभी उनकी
पास में रहते पर संग होता है। बोले दूरे था किया वो संग है क्या, दूर में रहते हुए भी कभी कभी संग नहीं होता है। कहते साधु संग सुजोग प्रदान कर जन्य मठे उत्सवादी व्यवस्था, जिसे मंदिर में उत्सव जैसे जन्माष्टमी गया, अगर राधाष्टमी आ रही है जैसे गुरु वर्ग का तिथि हम पालन करते हैं। बोले क्यों ये सब तिथियों को क्यों पालन करते हैं, क्या बढ़िया बढ़िया उत्सव होगा और बढ़िया बढ़िया प्रसाद मिलेगा और आएंगे और बढ़िया बढ़िया प्रसाद पाए हैं, इसीलिए किया ये उत्सव आदि होता है। पर नहीं, उत्सव का मतलब ये नहीं है, उत्सव मतलब होता है हमें वो उत्सव में साधु संग्रह में प्राप्त होता है, वह हरिकथा में हरिकथा सुनने को मिलता है, इसलिए मठ मंदिर में उत्सव आदि है, इसलिए उत्सव है। कहते गृह व्रत धर्म ध्वंस करिया कृष्ण व्रत परिवार जन्य जीवे हैं तैयार। कहते वास्तव रूप में जीव ऊपर में दया किया है, हम कहते ना जीव ऊपर दया करो, जीव दया कृष्ण नाम वैष्णव सेवा, इसलिए जीव का वास्तव रूप में जीव पर दया किस होता है, क्या खिलाने पिलाने पर कपड़ा लता दवा देने पर ब्रेड बटर देने पर क्या जीव दया होता है, यहाँ प्रभुपाद कर नहीं उसको जीव दया नहीं कहते हैं। कहते जो गृह व्रत धर्म ध्वंस करिया कृष्ण व्रत परिवार जने जीव दया, मतलब कहते हैं गृह व्रत धर्म ध्वंस करिया, मतलब गृह व्रत मतलब क्या है, मतलब अपना गृह को ही जीव ने जिसने अपना व्रत बना लिया है, मतलब संसार में उठना खाना पीना बीवी बच्चे पास सवेरे उठ करके घर में हल्दी नमक चीनी है कि नहीं, आलू है कि नहीं, टमाटर है कि नहीं, और उसको दिन भर उसका अंदर में ही अपना बीवी बच्चों को पूरा के पूरा उसी में ही जिसने पूरा व्रत बना दिया, इसके सिवाय भगवान की भजन भजन भक्ति से जिसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए कहते सतमुच से साधु संग करने से क्या होता है, कहते जो गृह में जो व्रत है तुम्हारी ध्वंस हो जाता है, जिस ध्वंस हो जाती है, अरे कौन सा व्रत जीवन में आता है, पूरे जीवन में कृष्ण व्रत आ जाता है, कृष्ण व्रत आ जाती है। इसलिए जब हम कृष्ण व्रत को धारण करते हैं कहते जो गृह व्रत धर्म अपने आप दूर में हट जाती है, जैसे हम बताते हैं ना जैसे सवेरे आप लोग आए चार बजे से लेकर सात बज रहा है, क्या कर रहे हैं, आए कीर्तन सुना हरिकथा सुना आर्थ दर्शन किया है, आर्थ दर्शन किया, अभी तक कोई संसार का बात हमारी याद है क्या, कोई याद नहीं, तीन घंटा तुम्हारी एकदम कृष्णानुशीलन में, जब कृष्णानुशीलन कहते हैं फिर अपने आप तो क्या होता है, जैसे सूर्य उदय होने पर अंधकार अपने आप दूर हो जाए, जब हम भगवान की भक्ति करने लग जाते हैं फिर ये अपने आप जो गृह धर्म अपने आप नष्ट हो जाता है। इसलिए कोई कहता नहीं माया माया छोड़ो माया छोड़ो माया छोड़ो, कहते छोड़ने का जरूरत नहीं, कभी जोड़ो है, इधर जोड़ दो माया अपने आप छुड़ जाएगी। इसलिए उदाहरण देते हैं कि कंटा चुभ गया, अभी एक कांटा को निकलने के लिए दूसरे कांटा लाओ है, कहते इसमें कांटा गड़ गया मतलब माया की कांटा गड़ गई, बोले दूसरे कांटा ले आओ, बोले दूसरे कांटा किया, बोले भक्ति के नियम बना लो, हम रोज उठ करके एक लाख प्रणाम करेंगे, हम रोज इतने स्तुति स्तंभ करेंगे, ठाकुर का इतनी गीता पाठ करेंगे, भागवत पाठ करेंगे, हम ये ठाकुर को ये सेवा करेंगे, जब इसमें जोड़ जाओगे तो अपने आप तो छूट जाएगा, अपने आप तो छोड़ने का जरूरत नहीं, माया माया छोड़ो छोड़ो नहीं, तो छोड़ने का जरूरत नहीं, जोड़ो भगवान की भक्ति में, जब नियम पूर्वक भगवान की भक्ति करना शुरू करता अपने आप खत्म हो जाएगी। इसलिए हमें कोई चीज को छोड़ने का जरूरत नहीं, भगवान के साथ में हमें जुड़ जानी चाहिए। गृह व्रत ध्वंस करिया कृष्ण व्रत करिवार जने जीव दया, नामे रुचि गुरु वैष्णव सेवा सुजोग प्रदान उत्सव अनुष्ठान। इसलिए कहते हैं गौड़ीय मठ में ये उत्सव आदि क्यों होते हैं, क्या इसलिए होते हैं, नहीं लोगों को बुलाओ बढ़िया बढ़िया मीठा चावल बनाओ, बढ़िया बढ़िया खास्ता कचौड़ी सब्जी और बड़े बड़े सुंदर कढ़ी चावल बनाओ खीर बनाओ और लोगों को खिलाओ, नहीं इसलिए कहते हैं ये कहीं भी तो बनाते हैं लोग जैसे कुछ आज बढ़िया प्रसाद मिलेगा, लेकिन प्रसाद का भावना आते हैं लेकिन उसको साथ साथ में भगवान की भक्ति का प्रसाद प्रेम का प्रसाद कथा रूपी प्रसाद मिल जाता है। अरे जीव को क्या ज्ञान होता है भक्ति, प्रभुपाद क्या कहते थे जब प्रभुपाद कलकत्ता में रहते थे वो कथा के बाद में ना
है प्रभुपाद का एक मालपुआ बनाते हैं मालपुआ, और जो कथा सुनने के लिए आए जाते हैं एक ही मालपुआ के लिए, और जो लोग ऑफिस ही जाते हैं काम करने के लिए प्रभुपाद कहते करते थे काम कर सवेरे सवेरे उठकर के मंदिर में आ जाते हैं। और यहाँ पर हरिकथा होगी, हरिकथा होती तो हरिकथा सुना चावल सब्जी बढ़िया यहाँ पर पूरा भरपेट उनको प्रसाद मिले, और यही प्रसाद पाकर के सीधा ऑफिस जाओ और ऑफिस खत्म करके सीधा यहाँ पर, यहाँ पर एक घंटा कथा सुन करके फिर अपना मालपुआ लेकर घर में जा। प्रभुपाद ने व्यवस्था दिया था बोले कारण दिया बोले जब वो भगवान की कथा सुनेगा जब तो ज्ञान होगा फिर क्या होगा उसको मांगने का जरूरत नहीं, इसलिए नियम क्या है कोई भी हम अर्थ कमाते हैं उसको जैसे भगवान राम ने जब उनको राज्याभिषेक हुई समस्त उन्होंने कागज पत्र उन्होंने वशिष्ठ जी को प्रदान कर दिया, इसलिए मियाँ में जीवन में हम जो कुछ इनकम करते हैं उसको सबने सब गुरु जी को अर्पण कर देनी चाहिए, इसलिए उनको जितने पैसा मिलता था तनख्वाह वो सारे तनख्वाह ला के प्रोत्साहन करते हैं बोले गुरुदेव ये पूरा पैसा लेंगे तनख्वाह, लेकिन गुरुदेव जानते हैं तो धनग्रेज किए गुरुदेव क्या करते थे उस तनख्वाह से थोड़ी सी पैसा निकाल लेते थे और उसको प्रसाद रूप में मिले गुरु जी की प्रसाद रूप में लो अब तुम्हारे घर में तो दिव्य वचन भजन करते हैं भक्ति करते हैं अभी तुम्हारी संसार नहीं कृष्ण का संसार है, ये गुरु जी का भगवान का संसार ही पैसा को संसार गुरुदेव प्रसाद ही करके फिर दो बार थोड़ी सी लेकर उसको वापस लेते थे, इसलिए ऐसे करते 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 ब्रजवती कथा जो सुनेगा वो तो प्रभु का भजन करेगा, इसलिए प्रभुपाद प्रसाद की छलना में क्या करते थे सबको हरि कथा प्रदान करते थे कृष्ण भक्ति प्रदान करते थे, ऐसे ही प्रभुपाद घुमा जा करके जीवों को उन्होंने भगवान की भजन में लगा दिया। गौर गुरु माने।